झारखंड के गोड्डा जिले में कोयला खदान धंसने की वजह से अंदर फंसे 10 लोगों के शव निकाले गए हैं। इस हादसे में 35 डंपर गाड़ियों और उसमें सवार 40 से ज्यादा मजदूरों के अब भी खदान में फंसे होने की आशंका है। इन मजदूरों को निकालने की कोशिशें जारी है और बचाव कार्य में मदद के लिए पटना से एनडीआरएफ की 4 टीमों के साथ रांची से भी एक टीम घटनास्थल पर पहुंच रही है। सीआईएसएफ ने बताया है कि बचाव कार्यों में मदद के लिए शीतलपुर स्थित ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और बचाव कार्य जारी है। दूसरी ओर राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास हालात पर करीबी नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों से राहत कार्य में तेजी लाने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों को 25,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं ऊर्जा एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि उन्होंने हालात का जायजा लेने के साथ हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं।